अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कभी सलमान के साथ ईद के क्लैश को लेकर तो कभी अपने स्टंट करते हुए वायरल तस्वीरों को लेकर। हाल ही में ये बड़ी खबर आई थी कि अक्षय कुमार का फेमस गाना सूर्यवंशी में रिक्रिएट किया जाएगा। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी काफी चर्चा बटोर रही है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टार और इस फिल्म में अब टिप टिप बरसा पानी गाने का रीमेक भी जोड़ा जाएगा। इस गाने के रीमेक पर अक्षय कुमार ने कहा, अगर कोई और एक्टर टिप टिप बरसा पानी रिक्रिएट करता तो जाहिर तौर पर मुझे काफी अफसोस होता। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर कोई और एक्टर टिप टिप बरसा पानी रिक्रिएट करता तो जाहिर तौर पर मुझे अफसोस तो होता ही, क्योंकि यह गाना मेरा और मेरे करियर का पर्यायवाची बन गया है और इसके लिए मैं रतन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्षय ने मैसेज के साथ एक पुरानी फोटो भी शेयर की है जिसमें वो रतन जैन के साथ दिखाई दे रहे हैं। रोहित शेट्टी ने इस गाने के राइट्स खरीद लिए हैं और फिल्म सूर्यवंशी में इस गाने पर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ थिरकते नजर आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि यह काफी बड़ा हिट होने वाला है। बता दें, टिप टिप बरसा पानी 1994 में आई फिल्म मोहरा का गाना है। अक्षय कुमार रवीना टंडन पर फिल्माया गाना सुपरहिट रहा था, बल्कि आज 25 सालों के बाद भी यह गाना बहुत लोगों का फेवरेट गाना है। खासकर पीली साड़ी पहने रवीना टंडन को भला कोई कैसे भूल सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि जैसी सुर्खियां रवीना टंडन ने बटोरी थी, कटरीना भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी। आपको बता दें, सूर्यवंशी 27 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली है।